आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी बहन के साथ एक प्रैंक करूं। हम लोग निकल चुके हैं और ये रहा हमारा आज का प्रैंक। ये तो गलत था। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे। मेरा प्यारा प्यारा दिन शुरू हो चुका है और आज के प्यारे दिन में उठते ही मुझे थोड़ा तो पहले मैंने घर का जायजा लिया कि कहाँ पे आजकल मुझे शूट करना चाहिए। मेरी पिक्चर्स वगैरह लाइटिंग में चेक करी थी, एक तो लाइटिंग यहाँ पे प्यारी आ रही है, दूसरी मेरे किचन से अच्छी आ रही है, तो सोचूंगी उसके बारे में। चलिए, तो उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी बहन के साथ एक प्रैंक करूं, क्योंकि मैंने आज तक कोई प्रैंक व्लॉग नहीं बनाया, कोई चैलेंज व्लॉग नहीं बनाया। तो अब मैंने सोचा है कि कुछ चैलेंज व्लॉग्स भी बनाऊंगी, प्रैंक व्लॉग्स भी बनाऊंगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं प्रैंक और चैलेंजिंग व्लॉग्स बनाऊं, तो कमेंट में मुझे आइडियाज़ दें कि कौन से प्रैंक्स करूं, किसके साथ करूं, कौन से चैलेंज व्लॉग बनाऊं, और सारे मुझे आइडियाज़ बताएं, ठीक है। तो आज का व्लॉग इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। और आज का प्रैंक जो है वो मैं करने वाली हूं अपनी बहन के साथ, और वो प्रैंक ऐसा है कि उसने कुछ दिन पहले एक जीन्स ऑर्डर की है और उसने बोला कि मैं तुम्हारी एड्रेस पे ऑर्डर कर रही हूँ तुम्हारे नाम पे, और उसकी पेमेंट भी तुम करोगी रिसीव करके, लेकिन वो जीन्स दोगी मुझे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम ऑर्डर कर लो, मैं तुम्हें लेके दे देती हूँ वो जीन्स, तो उसने ऑर्डर कर दिया। तो आज मैं उसके साथ ये प्रैंक करने वाली हूँ, उसे बोलूँगी कि तुम्हारी जीन्स आ गई है और मैंने उसको खोला नहीं है, बस पार्सल मैं तुम्हारे पास ही आ रही हूँ, तुम्हारे घर लेकर आ रही हूँ, वहाँ पर बैठ के हम सब दोनों खोलते हैं। और वो पार्सल जो होगा, मेरे पास काफ़ी पार्सल की शॉपर्स पड़ी हुई है, ठीक है, उस शॉपर के अंदर मैं डाल दूँगी कोई कचरा शचरा, तो वो होगा कचरा। और उसको बोलूँगी मैंने तो पार्सल खोला ही नहीं है और तुम्हारे साथ तो स्कैम हो गया, तुम्हारी तो जीन्स आई ही नहीं, तुम्हें तो ये कचरा भेज दिया है उन लोगों ने, और वो हो जाएगी बहुत ही परेशान। तो अभी है तो छोटा सा प्रैंक, लेकिन उसको हम करेंगे ऐसे, फिर उसके बाद बड़े बड़े प्रैंक भी करेंगे। तो चलिए अभी हम करते हैं उसकी तैयारी। अभी तो पहले थोड़ा सा मुझे रेडी शेडी होना है, क्योंकि बहन का ससुराल जा रहे हैं। अम्मी को भी रेडी करती हूँ और अम्मी की भी हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि पार्सल की शॉपर्स तो मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई हैं, देखो ये वाली है, इसके अंदर हम कोई डाल देंगे कचरा। इसको निकालती हूँ, इसमें मेरा बैग पड़ा हुआ, ये मैंने ऑर्डर किया था कुछ दिन पहले, तो इस शॉपर के अंदर मैं डालती हूँ कचरा और इसको अच्छे से मैं पैक कर दूँगी, ठीक है, वरना फिर मेरे पास कुछ और भी शॉपर्स पड़ी हुई हैं। फिर उसके जाएंगे घर और उसको बोलूँगी मैंने तो ओपन ही नहीं किया भाई, ब्रांड वालों ने तुम्हें कचरा भेजा है और मैंने तो पेमेंट भी कर दी है, अब तुम्हारा तो पार्सल ज़ाया हो गया, तुम्हारे साथ तो स्कैम हो गया। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कॉमेंट करके मुझे आइडियाज बताओ कि कौन से चैलेंज व्लॉग बनाऊँ, कौन से प्रैंक्स करूँ। मम्मी मुझे आपकी हेल्प चाहिए, यह मैंने शॉपर उठा ली है और मैं रुखसार के साथ करूंगी प्रैंक। उसके साथ प्रैंक ये करना है कि मैं बोलूंगी तुम्हारा पार्सल आ गया और उसके अंदर होगा कचरा, और उसको बोलेंगे कि ब्रांड वालों ने तुम्हारे साथ स्कैम कर दिया, तो इसके लिए मुझे कचरा को कोई ढूंढ के दे दो मम्मी। इसमें शर्ट नहीं डालनी ना, कोई कट पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े, अगर शर्ट भी डालेंगे तो उसका और मूड खराब नहीं होगा, अच्छा हो जाएगा, और गंदा मूड करना है मुझे उसका। उसके साथ ये तो अभी थोड़ा सा छोटा प्रैंक करी, इसके बाद और बड़े प्रैंक्स करूंगी, छोटे टुकड़े डाल के दे दो, तो तभी दो जब तक खोलने तक उसका मूड खराब करना है। हाँ ये सही है, एक और भी ताकि थोड़ा भारी हो जाए। कोई पुरानी फटी हुई जींस नहीं है, कोई फटी हुई जींस दे दो, ये ऐसे वाले टुकड़े दे दो, ताकि उसका बिल्कुल ही मूड गंदा हो जाए, बिल्कुल वो मतलब ऐसी चीज़ें हो कि वो कभी ना यूज में हो ना कुछ, तो फिर उसका मूड बिल्कुल ख़राब हो जाए। हाँ ये इतने सारे शॉपर्स पड़े हुए हैं मेरे, इतने सारे पार्सल्स आते हैं, सारे अम्मी शॉपर्स रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि मैं अनबॉक्सिंग कर रही होती हूँ, तो मैंने अम्मी को रखा बोला हुआ होता है कि पार्सल की शॉपर रख दिया करो। हाँ छोटे छोटे टुकड़े बनाए थे ना हमने उससे, क्योंकि हमने वैक्स करनी थी तो एक जींस हमने काटी थी, उसकी शादी में ही काटी थी हमने, अभी भी काटी थी। देखो चलो आप देखो, मैं कोई ड्रेस निकालती हूँ कोई तमीज वाला, फिर पहनते हैं और फिर उसके पास चलते हैं, और उसको वीडियो कॉल भी करती हूँ, उसको बोलती हूँ कि मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, उसको बताऊँ तो सही, और उसको बोलती हूँ कि मैं लैपटॉप लेने आ रही हूँ, मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ, कौन सा
गाइस ये मेरा प्यारा सा यम्मी सा अंडा कीमा बन चुका है जो कि मैंने खुद बनाया, और ये है चावल की रोटी जो कि मेरी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो अभी हम खाना खाते हैं और उसके बाद चलते हैं मेरी बहन के घर पे और उसके साथ करते हैं प्रैंक। अम्मी आप नहीं खा रही हो क्या खाना? ओके जी, मैं रेडी शेडी हो चुकी हूँ और ये वाला मैंने ड्रेस पहन लिया है और ये एक जीन्स मैंने निकाली है जो कि पुरानी है। इसको करूँगी मैं कट, एक यहाँ से कट करूँगी एक यहाँ से, ताकि इसको याद ना आए ना कि ये हमारे घर की है। तो इसका हुलिया थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसके बाद इसको पैक करेंगे इसमें इन टुकड़ों शुकड़ों के साथ। ओके, अभी इसको करेंगे हम यहाँ से एक तो कट। टन टड़ा, और फिर दूसरा यहाँ से कट करेंगे। अभी इसका पार्सल को बिल्कुल नया मैं देखना कैसे बनाती हूँ। रुको, ये है मेरे पास एक अदर बिल्कुल न्यू वाली शॉपर। अब इसके साथ हम जुगाड़ बनाएंगे। अम्मी ब्लॉग बनाओ क्योंकि इसमें पता चल जाएगा, इसमें नहीं पता चलेगा। ओके, ये चड्डी, इसको करेंगे हम लोग पैक ऐसे। फिर इसके साथ ये टुकड़े भी रख दूँ, टुकड़े सारे रखते हैं इसके साथ। ये भी रख दिया, ये छोटे छोटे भी रख देते हैं, नहीं ये नहीं रखते, सही है। बस इसको हम करते हैं अब पैक। बिल्कुल लग रही है ना जी। और इसको न्यू शॉपर को बंद करेंगे और इसमें से ये वाला एड्रेस वाला निकाल लेते हैं। ये इसके अंदर रख लेती हूँ और ये स्टिकर भी। अभी उसके साथ इतना अच्छा वाला मैं प्रैंक करूंगी, देखो बिल्कुल नया पार्सल लग रहा है। मैं खोलूंगी बोलूंगी ओपन ही नहीं किया। और अम्मी आपने भी नहीं बताना, ठीक है? उसको डांटना है शुरू में, ठीक है? बोलना कि तुम लोगों को मैंने मना किया है, ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करती हो, पैसे क्यों जाया करती हो, तुमने क्यों किया, ठीक है? बिल्कुल सीरियस। ओके, थोड़ा रुलाना है उसको, मैंने मजा आएगा। अभी तो अभी मम्मी जी तैयार हो जाए तो फिर निकलते हैं, चलो जल्दी से। तो ये है मेरा प्यारा सा फुल लुक, ये है मेरा ड्रेस और इस पर ये वाला थोड़ा सा दुपट्टा मैचिंग कर रहा है, तो ये वाला मैंने पहन लिया है। तो अभी बस निकलते हैं। मम्मी लेट्स गो प्लीज। चलो, मेरा पर्स उठा लो। मेरा सामान गिर गया, मेरा डेरी मिल्क और मेरी परफ्यूम और मेरे मेरी मिल्कियत। चलो मम्मी, हम लोग निकल चुके हैं और ये रहा हमारा आज का प्रैंक। इसके अंदर है फुल पैक शेक करके मैं उसके पास लेकर जा रही हूँ और उसका ऐसा गंदा मूड बनाऊंगी, अः मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। इधर चलो मम्मी, स्टूडेंट लिंक अंदर थोड़ा सा सामान इसने बोला है लेने के लिए। गाइस इधर से आना अलाउ नहीं है, ये हम यहाँ पे रहते हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ से आते हैं। तो ये है हमारा स्टूडेंट लिंक, ये यहाँ पे लिपाम पड़ा हुआ है, ऐसा मेरे पास है और ऐसा मेरी बहनों को पसंद है, बहना को पसंद है उसके लिए एक ले लेते हैं। और ये क्या है? ये भी लिपाम है, खोलो निकालोगे? हाँ ये भी है, पर वो सही है ना, ये लगाने में मुश्किल है, ये सही है। तुम्हें भी चाहिए? ओके जी, ये वाला काम भी हो गया, अब बस चार निकलते हैं। ओके जी, मैं आ चुकी हूँ इस मैडम साहबा के घर। और ये मैडम साहबा कहाँ है? वेयर आर यू? पता नहीं कहाँ है, दूसरे रूम में चेक करती हूँ। क्या कर रही हो उधर? काम? मासी क्या कर रही हो? आज मेरी मासी मुझे वॉशरूम नहीं धोके देखी गई, तो मैंने खुद किया वॉशरूम धो लिया। तो कल काम हुआ था मेरे वॉशरूम का पूरा, वो कर हुआ था।
बेचारी काम कर रही है, कितनी सीधी है ना यहाँ पे ये बंदी। बेचारी आज मासी नहीं आई तो भाग गई, जल्दी में भाग गई, काम ही करके गई। मैं किस चीज पे बैठ गई? तुम्हारे जो ये एयरपोर्ट्स हैं इसमें तुमने कॉल पे बात की है? सही से जाता है आवाज? ठीक है, अब से मेरे हो गए, चोरी हो गए, मैं तो लेकर जा रही हूँ, बाय बाय। ये तुम्हारी जीन्स आ गई जो तुमने ऑर्डर की थी, तो मैंने अभी ओपन नहीं की, खुद ओपन करके देखो। लेट्स अनबॉक्स। ओके, अनबॉक्सिंग करो, मैं तुम्हारा व्लॉग बनाती हूँ। मैंने कुछ और भी कहा था लेके आने के लिए। हाँ वो भी इसके अंदर है। थैंक यू। केक रेस्क्यू किया। मेरे घर पे पड़े हुए थे, मैंने रात ही लिए थे, मैंने उस दिन खा लिए सारे अपने। हिंदी को नहीं था वही जो नहीं हमने, ये तो गलत था। पूरी प्रैंक नहीं, पागल हो क्या? मैंने ओपन ही नहीं किया पार्सल। टैप नहीं है, पागल नहीं है टैप। अरे सच में चाचा रही हूँ, बाहर छापा रखिया ही ना। अरे ये पागल है, मैंने टैप नहीं लगा, ये सही वाला है देखो। अगर ये गलत आई होती तो अम्मी का रिएक्शन जो होता है आपको ऐसे ना जाएगा, गलत ही हो, अच्छा गलत है तो अम्मी ने, अम्मी को तो पता ही नहीं है। कहाँ से है टैप? देखो देखो खुद, कहाँ है टैप? टैप लगा ला। नहीं यार ये प्रैंक मजा नहीं आया। अरे इस पे डिटेल्स थी देखो, तो तुमने ये पढ़ी की है? ये पढ़ने के लिए नहीं था, सिर्फ ये खोलने के लिए था। प्रैंक करने के लिए भी दिमाग चाहिए। अभी तुम जो सिर्फ मैं कर, रुको गाइस, इसके साथ मैं इतना बुरा वाला प्रैंक करूंगी ना कि ये रोएगी। ऑर्डर आए हो? नहीं। सही बता। नहीं। चो अब भी कटे हो फोन पे कहीं राइडर कूल। झूठ बोला हमने तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ हमें प्रैंक करना था, तुम्हारे साथ हमें प्रैंक करना था, और बेचारी तैयार होके बैठी थी कि मैं कल पहन के जाऊंगी बेचारी, पर तुमने अच्छा रिएक्शन नहीं दिया। खैर तुम रुको, तुम्हारे साथ बड़ा मैं मजा करूंगी, सब्र करो। बदतमीजी नहीं करे, तुम्हारे साथ मैं ऐसा प्रैंक करूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगी। रुको तुम, मैं इसे बदला लूंगी, ऐसा ऐसा बुरा बदला लूंगी कि याद रखोगी तुम, सब्र करो। मेरे साथ प्रैंक करने आएंगे कुछ लोग बेचारे। खिदमत कर खिदमत, ये बंदी मेरा प्रैंक बढ़ाने के बाद अब मुझे जूस शूस पिला रही हो, और क्या खिला रही हो, और क्या पिला रही हो, और कुछ चाची खिला पिला रही है। तो तुम क्या खिला पिला रही हो? मैं बातें, बातें नहीं चाहिए हमें, कुछ अच्छा सा खिलाना खिलाना पिलाना है तुम्हें, अच्छा सा चाहिए, अच्छा सा खिलाना पिलाना नहीं आता, ऐसा मारूंगी ना जिंदगी भर याद रखोगी। देन ये मैडम फिर से मेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेते हुए लेकर आते हुए, ओए होए, और कुछ और भी अच्छा सा कुछ खिला पिला दो। वाओ ये है पकोड़े, दही बड़े और मैक्रोनी, और कुछ पानी भी लेकर आओ, जाओ मेरे लिए, अच्छा जाओ पानी भी लेकर आओ, खिदमत करो बड़ी बहन की, खिदमत खिदमत, नेक्स्ट टाइम ऐसी मेरी खिदमत। अरे चल। ओके गाइस हम लोग जा रहे हैं, बाय मैडम साहबा, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना कुछ खिलाया पिलाया, हमारा ख्याल रखा। अपना बर्थडे मनाने के लिए
मतलब मैं फ्राइडे को कहीं बाहर चली जाऊंगी, संडे रहूंगी। चलो मॉमी लेट्स गो, बाय। प्यार टपक रहे हैं। ओके गाइस बाय। ओके जी मैं आ चुकी हूँ अपने घर और अब बस आराम करने का टाइम हुआ जाता है, बहुत रात हो गई है। तो इस व्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड और आप लोगों ने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है दूसरे प्रैंक्स जिसमें हम पकड़े ना जाएं, क्योंकि आज वाला प्रैंक जो था उसमें तो हम पकड़े गए। तो नेक्स्ट प्रैंक कौन सा करूँ और नेक्स्ट चैलेंज कौन सा करूँ तो उसके आइडियाज़ आप लोगों ने मुझे कॉमेंट सेक्शन में देने। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।